नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रूविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। आज दिन है संडे 25 अगस्त। हम लोग हैं पुणे में। अभी हमने होटल में चेक इन किया है। हम लोग रुके हैं लेमन ट्री होटल में और ये हमारा रूम है। चेक इन में थोड़ा टाइम लग गया, 1:15 बज गए हैं। ऐसे हम लोग आ गए थे 12 बजे ही। और यहाँ से हम लोग एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, तो लेट अस स्टार्ट। तो ऐसा कुछ रूम मिला है हमें। इधर थोड़ा सिटिंग अरेंजमेंट है, इधर बेड है, उधर जो है वो मिनी बार है, इधर वर्किंग स्पेस है, टीवी है, जैसा कि होटलों में होता है। फ्रिज में कुछ नहीं है, खाली है, बाकी टी कॉफ़ी मेकर है। इधर वॉशरूम है, वॉशरूम बहुत सही है। हाँ भाई, 5 स्टार है तो भाई सब सही ही होगा। तो पुणे में हम लोग का कुछ प्लान नहीं था ऐसा खास, बस एक तामिनी घाट घूमने का मूड था। लेकिन क्या है कि पुणे में बहुत सब्सक्राइबर रहते हैं, एक सब्सक्राइबर अभी नीचे आए हुए हैं, पहले से उनसे बात थी, तो अभी अपन उनके साथ चल रहे हैं लंच करने के लिए। तो अभी हम लोग रेलवे स्टेशन के पास वाले एरिया में हैं और ये साधु वासवानी पथ है। सामने ये जो I-20 जा रही है, इसमें आहूजा जी हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं। बहुत दिनों से सर ने बोला था कि जब पुणे आए तो मिलिएगा ज़रूर। तो पुणे में हम लोग सतीश आहूजा जी और इनकी फैमिली से मिले। मैम मिसेस हैं, मैम का नाम आंचल आहूजा है ना, और इनके दोनों बच्चे हैं। बड़ा बच्चा BCA कर रहे हो ना बेटा, और ये छोटा कौन सी क्लास में है? हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ पे लंच किया, ढेर सारी बातें की, सर लोगों के साथ मिल करके बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। और आप कह रहे हैं ना सोमनाथ आएंगे, बिल्कुल आइए, हमारे घर आपका स्वागत है। आना और हमारा सिंधी खाना खाना। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, आप हमारे घर पे आइए ना, हम आपको खिलाते हैं, जो भी बिहार का गुजरात का हमने सीखा है ना, सब खिलाएंगे आपको। इतना अच्छा लगा आपको, बैठिए ना बात करते हैं। तो अभी हम लोग होटल के रिसेप्शन में बैठे हुए हैं, शाम के करीब 3:30 बजे है, और हमसे मिलने आए हैं संकेत देशमुख जी। है तो महाराष्ट्र के ही, बट ये बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिलासपुर हैं। तो शाम के करीब 4:30 बजे हैं और लोगों से मिलना हमारा अनवरत जारी है। अभी प्रवीण जी मिलने आए हैं। प्रवीण जी हम लोगों से एक बार पटना में भी मिल चुके हैं, बट मिसेस से हम लोग पहली बार मिल रही हैं, और ये जानकर और अच्छा लगा कि ये हमारे ही क्षेत्र से हैं, हजारीबाग से हैं। तो लोगों से मिलते मिलते करीब 5:00 बज गए हैं, और हमने उम्मीद नहीं किया था कि इतने सारे लोग मिलने आएंगे हम लोगों से। सब लोगों को थैंक्स हमारी तरफ से इतना सारा प्यार देने के लिए। तो आज तो हमने घूमने फिरने का प्लान कैंसिल कर दिया। नहीं जी, हाँ। अपन अब कहीं नहीं जाएंगे। शाम को भी हमें एक सब्सक्राइबर से मिलने जाना है, तो हमारा शाम का भी प्रोग्राम लगभग फाइनल है। नहीं जी, अब कल सुबह हम लोग यहाँ से निकलेंगे जब ना, तो आपको फिर नज़ारे वगैरह दिखाएंगे। ब्लॉग नहीं खत्म करने वाले हैं, बिना रोड ट्रिप दिखाए ऐसे थोड़े ब्लॉग खत्म होगा, कुछ तो नज़ारे दिखाएंगे ही दिखाएंगे। बट ये अच्छा रहा है कि आज हम लोग दिन भर यहाँ रुक गए, तो लोगों से मिलना जुलना हो गया और थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा आज। तो स्विमिंग पूल दिख गया होटल में, तो भैया यहाँ रुके हैं तो क्यों ना इसका बेनिफिट उठाया जाए। लवी को ही मन था, ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके आई थी, हमें लगा था कि कहीं ज़रूरत पड़ जाएगी। लवी जो है ना खाली छप छपा कर रही है, इसको तैरना वरना तो आता नहीं है, और अपना रूम पता नहीं कहाँ उधर टॉप फ्लोर पे है, ऊपर से ना माँ बेटा देख रहे होंगे। हाँ कर छपाक छपाक कर, बस हल्की फुल्की ना बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन फिर भी लवी का एक्साइटमेंट लेवल हाई है। मैं तो 15-20 मिनट में निकल गया, बट लवी निकलने का नाम नहीं ले रही है। चलना नहीं है लवी, और कितने देर मस्ती करेगी। तो जी शाम के करीब 6:30 हुए हैं, और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं अपने अगले मीटिंग पर। आज मीटिंग्स का दौर जारी है,
और अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर है, करीब आधे घंटे लगेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं कुणाल जी, उनके घर पर आज अपना डिनर उनके यहाँ ही है। तो रात के करीब 8 बजे हैं और NIBM के पास हम लोग आए हुए हैं कुणाल गुप्ता जी के घर पर। कुणाल जी हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, अभी जो हैं इनके यहाँ पे अपना डिनर होगा और इनके जो बच्चे हैं इंट्रोड्यूस करेंगे। ये है किट्टू और ये है किट्टू की गैंग, आओ सबको इंट्रोड्यूस कराओ। किट्टू आप अपने लिए बात करो, अपने चैनल के बारे में बात करो, बताओ जोर से, अच्छे से बात करो, जैसे ब्लॉगिंग करते हो। ब्लॉगिंग हो रहा है, मेरा भी चैनल है। और चैनल का नाम बताओ, किट्टू गैंग, जैसे बोलते हो, जैसे बोलते हो। 100 सब्सक्राइबर कर दीजिए, फिर ये पार्टी। क्या नाम है आपके चैनल का, नाम क्या है? आपकी गैंग वालों से तो इंट्रोड्यूस कराओ, गैंग का मेंबर से सबसे इंट्रोड्यूस कराओ। अंश भी तो गाइस, ये अंश, ये किट्टू, ये पार्क और ये त्रिशा, ये सब किट्टू गैंग के मेंबर्स है और ये सब किट्टू गैंग के साथ खेलते हैं। टिपिकल जो बिहार वाला खाना होता है ना, वही भाभी जी ने बनाया है और बिहार वाला पूरा टच है इस खाने में। ये खाना मुश्किल हो जाएगा हम लोग के लिए इतना। आप तो कुछ स्नैक्स में भी नहीं लिए, बोले की बार मैं आपका देखा ठेकुआ खाते हुए, मैं ऑफिस से फोन किया, नहीं आप लोग आए, ऐसे ही आप लोग आते रहिए, होना जब भी आप लोग आइए तो याद कीजिए हम लोग। मतलब जैसे मैंने बोला कि आप लोग आए तो ऐसे लगता है कि कोई रिलेटिव ही आया, ऐसे कभी लग ही नहीं रहा कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पक्का हम लोग आएंगे तो पक्का आपसे मिलना ही है। फिर गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह का ये नज़ारा है अपने रूम से। सामने वहाँ जहाँ वो तिरंगा लहरा रहा है वो रेलवे स्टेशन है पुणे का मेन, और इधर जो है बच्चे उठ गए हैं, मैडम तैयार हो रही है, मैं तो तैयार हो गया हूँ। रात को कुणाल जी के यहाँ इतना हैवी डिनर हो गया ना कि हम लोग आके बस सो गए, खाने का मन भी नहीं कर रहा था सुबह। लेकिन अब भाई होटल का कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट छोड़ना भी ठीक नहीं है, तो अब सब रेडी हो जाए, ब्रेकफास्ट कर ले, उसके बाद यहाँ से चेकआउट करके निकला जाएगा। लवी इधर बेकरी आइटम्स हैं, इडली, पूड़ी, ये क्या है, अच्छा पाव है, वेजिटेबल कोरमा। अरे इधर अपना फेवरेट है भाई, मेदू वड़ा, गोभी पराठा, मेथी पराठा, अरे पोहा मिल गया, पोहा, सॉल्टेड वेजिटेबल्स। मैंने तो भाई पराठा और सब्जी ले लिया, थोड़ा सा पोहा। इधर मैडम पता नहीं क्या क्या लेके बैठी हुई है। ब्रेकफास्ट में ऑप्शन ही इतने ज़्यादा है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है क्या खाएं और क्या छोड़ें। सब लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया, मैडम की भी चाय फिनिश हो गई और लवी का ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अब ये क्या उठा के ले आई है, हाँ अंग्रेज हो गई है तू, यही सब खा। तो जी फाइनली ब्रेकफास्ट करके होटल से हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, हम चेकआउट तो कर लिया है, अब निकल रहे हैं होटल से बाहर, ले चलते हैं नज़ारे दिखाते हुए पंचगनी। फिलहाल तो आप पुणे के नज़ारे देखिए थोड़ा। तो पुणे शहर के बीचों बीच से अपन गुजर रहे हैं, गणेश पेठ नाम का एरिया है शायद, कहीं बोर्ड पर दिखा था मुझे। बाकी शहर में चूंकि 9 बजे का टाइम है तो अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। पुणे स्टेशन से अभी तक हम लोग 11 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं और अभी तक हम लोग हाईवे पे नहीं पहुंचे हैं। पुणे शहर इतना बड़ा है क्या कहा जाए, और अभी बरसात में जो है ना शहर की सड़कें जो है ना बहुत ख़राब हैं। एक तो जहां तहाँ ये फ्लाईओवर का काम हो रहा है उसको अलग, जहां नहीं भी हो रहा है वो सड़कें जो है ना बहुत टूटी फूटी हुई हैं। तो स्टेशन से करीब 12 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली हम लोग पहुँच गए मुंबई बेंगलोर हाईवे पर, और यहाँ पर भी देखिए भयंकर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, वो दाहिने साइड वाली लेन तो पूरी बंद है। तो पुणे शहर के बाहर हाईवे के नज़ारे, ट्रैफिक बहुत हाई है, सामने उधर हरे हरे पहाड़ दिख रहे हैं भाई, यही सारे पहाड़ जो है गर्मियों में आओ वो ब्राउन हो जाते हैं। और इधर देखिए मनमोहक नज़ारे दिखना शुरू हो गए हैं, पुणे बोगदा आहे टनल अहेड 1 किलोमीटर। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी,
कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। कात्रज टनल से करीब 4-5 किलोमीटर आगे आने के बाद बहुत लंबा ट्रैफिक जाम मिल गया टोल प्लाजा के आगे। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो बेंगलोर हाईवे इस पे ढेर सारे फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पिछले कुछ सालों से, और उस चक्कर में ना इस पे बहुत ट्रैफिक जाम आजकल लगता है। तो धीरे धीरे करके कभी कभी ट्रैफिक बढ़ रहा है कभी रुक रहा है, इसी में अपन निकल रहे हैं धीरे धीरे। 15-20 मिनट करीब जाम में हम लोग फंसे और फाइनली अब जाम से निकल पाए हैं। बट नज़ारे जो है ना बाहर, आहा क्या ग्रीनरी है, मज़ा आ रहा है देख करके। और बाबू इधर नहीं नहीं हाँ हाँ चिल्ला रहा है, इसको बस मोबाइल चाहिए। और आगे BPCL का कोको पंप आने वाला है, ऐसे तो डीजल कुछ खास कम नहीं हुआ है, अब कोको पंप आने वाला है तो अपन डीजल भी सोच रहे हैं टॉप अप करा लेंगे। ठीक है 90-51 है ना रेट, तो अपन यहाँ डीजल टैंक फुल करवा रहे हैं। और इधर ये लोग जा रहे हैं शायद मैकडी में, और ये एक और कोको पंप मिल गया, हालांकि मुझे पहले से आइडिया था बट इसको भी शेव कर लूँगा। और इस पंप का नाम है BP खेड शिवापुर पुणे बेंगलोर हाईवे। तो BP पर टैंक फुल करवाने के बाद मैं मैकडी के पास आ गया। पता नहीं ये लोग क्या पानी खरीदने गए हैं, पानी लेकर आ रहे हैं शायद। गाड़ी की सिचुएशन ऐसी है कि भाई साहब गाड़ी तो पूरी गंदी हो गई है, और हाईवे पर इतना ट्रैफिक मिल रहा है ना इधर, जाम ही जाम, कि बहुत टाइम लगेगा लग रहा है पंचगनी पहुंचने में। अब हम लोग आगे निकल रहे हैं। वॉशरूम ठीक था? अरे यहाँ पे महाराष्ट्र में वॉशरूम के बारे में चिंता ही नहीं करना है, मतलब अच्छा मिलता है। नहीं हाँ। महाराष्ट्र में मोस्टली रेस्टोरेंट्स में या पेट्रोल पंप्स पे भी मुझे ना टॉयलेट क्लीन मिल रहे हैं, अच्छी बात है। दूर तक हाईवे साफ दिख रहा है, इधर थोड़ा बीपी कोको पंप के बाद ना हाईवे अच्छा मिला, खुला खुला मिला। थोड़ा थोड़ा कहीं पे पैचेस खराब हैं, और सामने ये पता नहीं कौन सी नदी आ गई है, या नीरा रिवर। हाँ हाँ, तो ये जी नीरा रिवर है। और आगे जो है हरे हरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं, उन्हीं पहाड़ों में अभी हमें जाना है, घाट्स में मजा आएगा। लेटेस्ट अपडेट ये है कि हम लोग करीब 70 किलोमीटर कवर कर चुके हैं पुणे स्टेशन से जहाँ से हम लोग निकले थे। 50 किलोमीटर से थोड़ा कम हमें जाना है। सतारा से पहले वाला जो घाट आता है ना वो स्टार्ट हो रहा है। इधर से तो घाट पर ऊपर चढ़ना पड़ता है, उधर से आने के लिए ना टनल है। तो इधर अपन जो है ना घाट की चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इधर पीछे बहुत ट्रैफिक जाम मिला था बट अब ट्रैफिक जाम नहीं मिल रहा है, तो ड्राइव अब इधर स्मूथ जा रही है। और अभी घाट में हमें काफी ऊपर जाना है, उधर दूर वहां पहाड़ों में ना छोटी छोटी गाड़ियां दिख रही है जाती हुई, बट यहां से अब कैमरे में पता नहीं कितना दिख रहा होगा। क्या हरा हरा है भाई, मतलब व्यू तो इतना अच्छा है ना कि ये लग रहा है जैसे आंखों के लिए थेरेपी है। जी घाट क्रॉस हुआ, बड़ा खूबसूरत घाट था। और इसके बाद हाईवे बहुत अच्छी कंडीशन में है, और जनवरी में जब हम लोग गोवा जा रहे थे इसी रूट से, तो लगभग इसी एरिया में हमारा एक्सीडेंट हो गया था, एक कुत्ता आकर के बम्पर से टकरा गया था। हालांकि कुत्ते को तो कुछ नहीं हुआ था, वो बम्प होकर के रोड के बाहर निकल गया, हमारा बम्पर फॉग लाइट सब टूट गया था। वो लेफ्ट साइड वाला शायद हुआ था या राइट साइड वाला हुआ था। हाँ, तो यहीं पर ये जो साई पार्क इन होटल दिख रहा है ना, यहीं पर हम लोग रुके थे। हम गाड़ी में जो है ना मैं पाना पेचकस सब लेके चलता हूँ, यहीं पर बम्पर उतार करके टेम्पररी रिपेयर किया था, क्योंकि बम्पर लटक करके ना जमीन में रगड़ने लगा था, तो पाना पेचकस इसीलिए लेकर मैं चलता हूँ। तो रिपेयर करके फिर हम लोगों ने अपनी गोवा वाली ट्रिप कंटिन्यू की थी। तो शिरवल के पास हमने हाईवे छोड़ दिया, और अब यहाँ से हम लोग
फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न लेकर के वाई की तरफ जाएंगे। तो हाईवे छोड़ करके हम लोग पंचगनी वाले हाईवे पर आ गए और यहाँ से पंचगनी हार्डली 25 किलोमीटर है, 25 से 27 किलोमीटर। बट हम लोग मेन पंचगनी में नहीं रुकने वाले हैं, पंचगनी से थोड़ा सा बाहर निकल के एक रिजॉर्ट बुक कर रखा है, वहाँ रुके। तो सुरूर वाई हाईवे पर अपन कंटिन्यू कर रहे हैं और हाईवे की कंडीशन बहुत अच्छी है, बिल्कुल कमर्शियलाइज्ड हो चुका है ये सब स्पेस। 8-10 साल पहले आया था तब इतने ढाबे वाबे नहीं दिखते थे, बट तो अब तो क्या है कि कोई भी 100-200 मीटर ऐसा नहीं दिख रहा जो खाली है, सिर्फ होटल और बार, ढाबा, वेज नॉन वेज सब मिल रहा है। तो 11:25 हुए हैं और अभी हम लोग वाई क्रॉस कर रहे हैं। वाई भी एक अच्छा खासा छोटा टाउन है, फेमस है, यहाँ भी गणपति का मंदिर है और कुछ कुछ है। बट अभी क्या है ना कि अपन लेट हो गए हैं काफ़ी, तो अभी सीधे अपन रिजॉर्ट जाएंगे पंचगनी के पास और देखेंगे टाइम मिला तो इधर भी आएंगे घूमने। तो जी वाई क्रॉस हो गया है और अब यहाँ से आई थिंक घाट सेक्शन जो है थोड़ा बहुत शुरू होगा। वाई पहाड़ियों के नीचे बसा हुआ है, पहाड़ यहाँ काफ़ी ऊँचे तो नहीं मिलेंगे, पंचगनी की हाइट आई थिंक 600 से 1000 मीटर के बीच में ही है। जो भी होगा मज़ा आएगा, आपको आगे के नज़ारे दिखाते हुए ले चलते हैं। खूबसूरत घाट जो है ना वो शुरू हो गया वाई के बाद। बहुत बढ़िया रोड है, मज़ेदार नज़ारे हैं, दोनों तरफ पेड़, सामने पहाड़, और इसी में अभी हम लोग ड्राइव करेंगे करीब 15-20 किलोमीटर। चलते कम होती जाएगी, कभी छाओ छाओ कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा। मस्त घाट सेक्शन में ड्राइव करते हुए अपन पंचगनी की तरफ बढ़ रहे हैं। खिड़की के चारों शीशे हमने खोल दिए हैं, नेचर का पूरा आनंद लिया जा रहा है। अब इधर क्या एसी वेसी चलाना, हालांकि मौसम अच्छा ही है, बहुत टेम्परेचर 27 है। और इधर नज़ारे देखिए भाई साहब, क्या नज़ारे, इतने मनमोहक थे कि बीच में अपन रुक गए और ऐसी जगह रुके हैं जहां कोई टूरिस्ट नहीं है, क्योंकि उधर तो बहुत सारी भीड़ थी। खैर इधर देखिए गाड़ी लगी हुई है, यहाँ क्या मस्त झरना बह रहा है, बगल में मंदिर है, ऑसम व्यू है भाई, मज़ा आ रहा है नहीं लवी। चलो मंदिर में मत्था टेक लो और ये झरने में जाना है, पैर डालना है, क्या मस्त ऊपर से पानी आ रहा है। अरे सुनो ना गाड़ी, अच्छा वहाँ रिजॉर्ट पे गाड़ी साफ कर लेंगे, पानी भरना है क्या बोतल वगैरह में। और ये देखिए वीना जो है ना चप्पल उतार के गई है और पानी भरने, लवी दर्शन कर रही है, ये पानी पी कर देखा जाएगा कैसा लगता है। पानी कैसा है? अरे अच्छा है ना, बढ़िया है, मीठा पानी है, अरे पिया जा सकता है, एकदम साफ है। 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद हम लोग अब पंचगनी की तरफ बढ़ चले। पंचगनी हार्डली अब 10 किलोमीटर होगा या कम ही होगा। ठीक है, तो जी यहाँ पे ना 150 का एंट्री टॉल लगता है पंचगनी में। ये क्या है, आई लव पंचगनी, पंचगनी मीन्स लैंड बिटवीन फाइव विलेजेस। ये लवी ने पता किया है अभी। और वो आई लव पंचगनी पे हार्ट ना वो स्ट्रॉबेरी था, और स्ट्रॉबेरी को हार्ट बना दिया, बहुत बढ़िया। तो देवी और सज्जनों स्वागत है आपका पंचगनी में, यहाँ हमारा स्वागत हुआ है झमाझम बारिश और ट्रैफिक जाम से, लेकिन हमें पंचगनी में रुकना नहीं है। पंचगनी से महाबलेश्वर जाने वाले हाईवे पर 1-2 किलोमीटर अंदर हमने एक रिजॉर्ट बुक कर रखा है, हमें वहाँ जाना है। तो जी पंचगनी क्रॉस करके हम लोग महाबलेश्वर वाले हाईवे पर आगे बढ़ गए।
बीच में दो चार व्यू पॉइंट आए बट अपन रुके नहीं अभी। और महाबलेश्वर यहाँ से होगा 15-16 किलोमीटर, बट अपन क्या है ना कि यहाँ से भिल्लार वाला जो रोड है ना उस पर कट जाएंगे और अपना स्टे भी जो है भिल्लार के आगे ही है। तो ये भिल्लार वाला रोड है और इस पर हमें ना बहुत सारे आपको घर देखने को मिले, जो फार्म हाउस या कहते हैं ना वकेशन के लिए लोग मकान बना लेते हैं अलग अलग, मोस्टली तो बंद ही पड़े हुए हैं। कितने मकान इधर बने हुए हैं आपकी स्क्रीन पर, ये जो दिख रहा है ये भिल्लार गांव है। ये गांव भी जो है ना वो फेमस है इसी चीज के लिए, शायद लाइब्रेरी के लिए फेमस है, किसी ने बताया था। तो जी फाइनली करीब 3.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए पुणे से पंचगनी। आई होप आपने इंजॉय किया होगा ये रूट, हम लोग को भी बहुत मज़ा आया। अब पंचगनी में हमारा जो स्टे है ना वो बड़ा मस्त है, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी पर अपन रुक रहे हैं। अब इसके बारे में सारी डिटेल जो है ना वो आपको अगले ब्लॉग में मिलेगी, प्लस पंचगनी में जो भी घूमना फिरना खाना पीना होगा सब अगले ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो इस ब्लॉग को फिलहाल यहीं एंड करते हैं, अगले ब्लॉग का वेट कीजिए, जल्द मिलेंगे, नमस्कार। कुछ नया सा है हर मोड़ मोड़ पे, कुछ नया सा है।